एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम है ज्योति, आप लोग देख रहे हैं मनोज्योति व्लॉग। गाइज, ये मेरी शादी की एक छोटी सी जयमाला की क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है मेरा लुक, बहुत ही सिंपल और मतलब जैसी भी थी आपके सामने है मेरी वीडियो कैसेट की ये क्लिप है। और ये साइड में मेरी मामा की लड़की, मेरी फ्रेंड्स, और ये मेरे हस्बैंड, और ये मैं। और तब इतनी समझ नहीं होती जब शादी होती है तो कैसे क्या करना। मैं बिल्कुल सिंपल सी तैयार थी और मेरे हस्बैंड हैं, बाकी और बहुत सारे गेस्ट हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, और मेरे घर के भी लोग हैं। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे से जयमाला डाली। सबसे अच्छी बात मेरी शादी में ये थी कि मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी, और हम लोगों की शादी मतलब लव मैरिज थी तो हम लोगों की शादी हो गई, इसलिए ही हम लोग बहुत खुश थे। बाकी और किसी चीज़ की हम लोगों को चिंता या टेंशन नहीं थी। तो बस यहाँ पे ये मेरी जयमाला है और अभी एक दूसरे को हम लोग पहनाएंगे। और इस टाइम पे थोड़ा मैं भी कुछ सोच रही हूँ, पता नहीं कैसा लगता है। थोड़ा अच्छा भी लगता है बहुत, और थोड़ा अच्छा नहीं भी लगता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये फाइनल मैंने डाल दी है माला, इनको पहना दी है और अभी ये हमें पहनाएंगे। और इसी तरीके से मुझे डालना बहुत अच्छा लगता है। मतलब शांति से कोई चीज़ है तो उसको अच्छे से एंजॉय करके करना चाहिए, एकदम एक दूसरे को बुरी तरीके से जयमाला नहीं बनानी चाहिए मेरे ख्याल से। और फिर अपना अपना है, जिसको जैसा अच्छा लगे। तो बस यहाँ पे मैंने इनको पहना दी है और फ़ोटो वगैरह हो रही थी। ये बिल्कुल ओरिजिनल क्लिप है, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है, सिर्फ इस पर मैंने साउंड ऑफ कर दिया है क्योंकि इसमें वैसे ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें साउंड भी नहीं था, जो बोल रहे थे वो वॉइस थी। तो मैंने यहाँ पे अपनी वॉइस डाल के आपको समझाया है, और बाकी म्यूज़िक वाली मैं डाल नहीं सकती थी इसलिए मैंने वो डाली नहीं है। और यहाँ पे ये पोज हो रहे हैं तो मैं काफ़ी टाइम तक ऐसे खड़ी रही थी, पोज वगैरह दे रही थी, और फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें होती है, तब मुझे इतना आता भी नहीं था और यूट्यूब वगैरह तब चलता नहीं था इतना, मतलब फेमस नहीं था यूट्यूब की सब लोग सर्च करें। और यहाँ पे ये मुझे माला पहना रहे हैं तो यहाँ पे ये इस तरह से फंस जाती है तो मैंने खुद ही निकाल दी जल्दी से बस पहना दो। और यहाँ पे कंप्लीट हम लोगों की जयमाला हो गई। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये छोटी सी क्लिप, वीडियो क्लिप, बताना कमेंट में। और अगर आगे की क्लिप देखनी है या कुछ भी जानना है या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी, फैमिली के लोगों से, और आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी आएंगी। शादी फंक्शन चल रहे हैं घर पे, अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ अपनी शादी की वीडियो कैसे शेयर कर दूँ, जिससे आप लोग ये ना सोचें कि मैं कहाँ चली गई, क्या हो गया। वैसे बहुत से लोगों को पता है, कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाली थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, उनको थैंक यू सो मच। और मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी, तो अभी तब तक आप मेरी ये वीडियो कैसे इन्जॉय कीजिए। जयमाला की मैंने जो सबसे मेन क्लिप होती है वो आप लोगों के साथ शेयर की है, इसको प्लीज़ आप लोग भी शेयर करना और कैसी लगी बताना। और तब हम लोग, मैं कैसी थी, अभी चेंज हुई हूँ या नहीं, हस्बैंड तो काफ़ी चेंज हो गए हैं पर मैं भी थोड़ी बहुत चेंज हुई हूँ, पर इतनी नहीं मुझे ऐसा लगता है। कमेंट में बताना और कमेंट करना अच्छे अच्छे। बाकी और कोई क्लिप देखनी हो आप लोगों को तो बताना, वो भी मैं डाल दूँगी। और बस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं थोड़ा सा सोच भी रही थी बहुत कुछ। बाकी आप बस कमेंट करके बताना कैसी लगी मेरी ये क्लिप, और थैंक यू सो मच मेरी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय।